क्या हुआ नागवासुकी? बहुत चिंतित और शिथिल लग रहे हो। प्रभु, अधिकांशता पुत्रों की त्रुटि पर उनके अभिभावक चिंतित होते हैं, किंतु मेरे साथ विधि ने विपरीत क्रीड़ा की है। मेरी माता कद्रु उचित नहीं कर रही हैं। मैं उन्हें अधर्म कभी नहीं करने दूंगा। नहीं वासुकी, पुत्र को पुत्र हो सकता है, किंतु माता को माता हो यह असंभव है। अब तुम स्वयं देवी पार्वती को देख लो, पुत्र मोह से वो भी अपने आप को बचा नहीं सकी। वो कार्तिकेय को ताड़कासुर से युद्ध करने की आज्ञा नहीं दे रही। प्रभु, माता पार्वती की बात भिन्न है, वो ऐसी नहीं है। सभी माताओं का मन एक समान होता है वासुकी। मातृधर्म की रक्षा के लिए वो अपने अन्य किसी भी धर्म को भूल जाती हैं। हाँ, यदि अवसर मिले तो वो अपनी त्रुटि अवश्य सुधार सकती हैं। हो सकता है कि तुम्हारी माता के लिए भी यह अवसर लाभकारी हो। आज तुम्हारा अंत निश्चित होगा। प्रणाम महादेव। देवी, आपने जो निर्णय लिया है मैं उसका सम्मान करता हूं। आप एक देवी हैं, किंतु आप जगत जननी भी हैं। हाँ, मैं जगत जननी हूँ, किंतु उससे भी पूर्व मैं एक माता भी हूँ। अपने पुत्र के प्रति उत्तरदायित्व को मैं भुला नहीं सकती। मैं अपने पुत्र को किसी भी प्रकार के युद्ध में नहीं भेज सकती। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। देवी, ये कार्तिकेय का प्रथम युद्ध है, मैं समझ सकता हूँ। इस कल्पना से आपका हृदय तो कांपेगा ही, किंतु इस कंपन से मैं अपने पुत्र के भविष्य की नींव को कदापि दुर्बल नहीं होने दे सकता। और कार्तिकेय जैसे पराक्रमी बालक को युद्ध शास्त्र की पहचान समय रहते हो जाए तो वो अपना लक्ष्य कदापि नहीं भूलेगा। उसे सदैव स्मरण रहेगा कि वो ऐसे माता पिता का अंश है जो सदैव बुराइयों से संघर्ष करते आए हैं। उसे भी इस परंपरा का पालन करना है। देवी, मुझे हृदयहीन मत समझना। देवी, मुझे भी पुत्र मोह है, किंतु मुझे कार्तिकेय की क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास है। संसार की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। देवी, आप केवल कार्तिकेय की माता नहीं हैं, समस्त सृष्टि आपको जगत जननी मानती है। केवल एक बार आप पुत्र मोह त्याग कर समस्त जगत के कल्याण की दृष्टि से देखिए। देवी, आपका मन भी कार्तिकेय को रणभूमि में जाने की आज्ञा देने से नहीं कांपेगा। ये क्या दुस्साहस है? क्यों रोका तुमने मुझे पुत्र? माता, ये आप क्या कर रही हैं? जिस कृष्ण पर आप प्राणघातक प्रहार कर रही हैं, वो स्वयं नारायण के अंश हैं। उन्होंने आपको क्षमादान दिया है, आप ये अनर्थ क्यों करना चाहती हैं माते? क्यों? ज्ञात था मुझे तुम यही कहोगे पुत्र। तुम्हारे और शेषनाग के साथ मेरा एक और पुत्र तक्ष भी तो है। तुम दोनों भ्राताओं का अनुज, ये तुम भूल सकते हो, किंतु मैं नहीं। वासुकी, तुम महादेव की शरण में और शेषनाग विष्णु की शरण में सुरक्षित है, किंतु मेरा तीसरा पुत्र तक्ष, उसका जीवन असुरक्षित है।
उसकी सुरक्षा मुझे करनी है और मेरे जीवित रहते मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं।